नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर पड़ रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो और ऑरेंज अलर्ट। रीवा, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम के लिए ऑरेंज अलर्ट अब जारी कर दिया गया। 5 संभाग के 12 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं आपको बता दें, 3 संभाग के 13 जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट है। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल में हल्की बारिश के भी अलर्ट है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो ठंड है उसका कहर जारी है। लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। 5 संभाग के 12 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, तो येलो और ऑरेंज अलर्ट लगभग हर जगह जारी कर दिया गया है। 3 संभाग के 13 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखी है। तो तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रही है। तस्वीर देखिए, जहां पर कोहरे की चादर छाई हुई है। आपको बता दें, गाड़ियों की रफ्तार पर तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा समेत कई जिलों में अब अलर्ट जारी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। वहीं आपको बता दें, प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 9.1 डिग्री दर्ज है। रायपुर में 17.5 डिग्री न्यूनतम तापमान, बिलासपुर में 14.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। आपको बता दें, राजनांदगांव में 17.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो लगातार आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का जो अनुमान था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। लगातार आपको बता दें, मौसम विभाग ने कहा था कि मकर संक्रांति जो ठंड है वो लगातार बढ़ती रहेगी और आपको बता दें, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, और यही साबित हो रहा है सच। तो ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग प्रयोग कर रहे हैं और तस्वीरें लगातार देखिए। आपको बता दें, ज्यादातर लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और ठंड के साथ शीतलहर भी चल रही है क्योंकि बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में। वहीं आपको बता दें, मैदानी इलाकों में लगातार शीतलहर चल रही है जिससे लोग काफी परेशान हो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे कि दिन में भी लोगों को गाड़ियों की जो लाइट है वो जलाकर चलनी पड़ रही है। लोग गर्म चीजें पीकर फिलहाल ठंड से बचाव कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सूरज जो है वो कई दिनों से एमपी और छत्तीसगढ़ के लोगों को देखने को नहीं मिला है। तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रखे हैं। इसी खबर पे ग्वालियर से हमारे साथ संतोष और भोपाल से कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आपके पास पहले आऊंगी, क्या कुछ वहां पर माहौल है? जो ठंड है वो लगातार उसमें इजाफा ही होता जा रहा। देखिए, राजधानी भोपाल में पिछले दो दिनों से लगातार जो है शीतलहर चल रही है, काफी ठंडी हवा चल रही है। अब ये कह सकते हैं कि ठंड का कर्फ्यू जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। 5 और 6 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस समय आप ये कोहरे की तस्वीर देख सकते हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से तकरीबन जो सूरज देवता है वो 9 से 10 बजे के बीच में अपने दर्शन देते हैं और काफी ठंडी हवा जो है सुबह से ही देखने को मिल रही है। कोहरा और ठंड का जो सबसे ज्यादा असर है वो यात्रियों को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो भी यात्री ट्रेन से सफर कर रहे हैं उनको खासी परेशानी हो रही है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है उसके बाद लगातार जो है शीतलहर लगातार जो है मध्य प्रदेश में चलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में चल रही है। राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से काफी तेज ठंडी हवा, शीतलहर चल रही है। कोल्ड डे जैसी जो है स्थिति भोपाल में बनी हुई है। दिन के वक्त की भी अगर हम बात करें तो कभी सूरज दिखाई देता है, कभी सूरज नहीं दिखाई देता है। काफी तेज ठंडी हवाएं जो है चल रही है। सुबह मॉर्निंग के वक्त भी लोग अब अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यात्रियों की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन तकरीबन अपने निर्धारित समय से 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही है। इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन में ही काफी इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है, जो पारा है वो काफी नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से ठंड में जो है लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विजिबिलिटी काफी कम है जिसकी वजह से जो फ्लाइटें हैं वो भी सुबह के वक्त लैंड नहीं हो पा रही हैं और
हवाई जो यात्री हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम रोड की बात करें तो यहाँ पर सुबह के वक्त और रात के वक्त काफी घना कोहरा देखने की मिल रहा है, जिसकी वजह से अब लोग रात को सड़कों में कम निकल रहे हैं। लंबे टूर पे वो अपनी कारों से नहीं जा रहे हैं, सफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। बेहद तकरीबन 20 से 30 मीटर की दूरी में ही जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कक्षा एक से लेकर पांचवी तक की जो है छुट्टियां कर दी गई हैं बच्चों की, क्योंकि काफी ठंड है। इसके साथ ही आने वाले समय में और भी स्कूलों की जो है छुट्टियां हो सकती हैं अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी रहे, क्योंकि सुबह के वक्त जो ठंड शीतलहर ठंडी हवाएं चल रही है उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल है वो शिमला और ऊटी बना हुआ है। इस साथ ही मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी कि पिछले तकरीबन 22 सालों का रिकॉर्ड जो है मध्य प्रदेश में टूट चुका है। लगातार जो ठंड पड़ रही है इससे लोगों को काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संतोष, आपसे जानना चाहूंगी कि ग्वालियर में किस तरह के हालचाल है, वहां जो लोग हैं वो ठंड से बचाव किस तरह कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनवरी के जो पहले सप्ताह की बात की जाए तो 10 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ा है और यहाँ पर लगातार चौथे दिन जो है वो कोल्ड डे के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है, 8 तारीख के बाद तापमान में बढ़ेगा, उसके बाद जो सर्दी है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी और धूप खिलेगी। लेकिन बात की जाए कोहरे की तो मौसम विभाग ने यही चेतावनी दी है कि उत्तरी हवाएं जो ठंडी बर्फीली हवाएं आ रही है जिससे शीतलहर चल रही है और कोहरा भी छाया रहेगा और लगातार का जो असर बना हुआ है ग्वालियर अंचल में, तो देर रात की बात की जाए या सुबह की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो रिकॉर्ड की गई है वो 0 रिकॉर्ड की गई है। तो इससे आप साफ समझा जा सकता है कि ग्वालियर अंचल में सर्दी ने अपनी सवाब पर है और लगातार इससे है ना जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जी कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर जो लोग जिनको सांस की दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोग जो लोग हैं वो क्या घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, क्योंकि ये ठंड उन लोगों के झेलना काफी मुश्किल साबित होगा? कुलभूषण, आपको मेरी आवाज आ रही? काफी परेशानियां हो रही हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग जिनको शारीरिक तौर पे कुछ दिक्कतें हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या तो छोटे बच्चे, उनके लिए ये ठंड काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी है, जो हार्ट के पेशेंट है या जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो अपने घरों से कम ही बाहर निकलें, क्योंकि ये जो वक्त है वो कोल्ड डे का है। सर्दी जुखाम के जो मरीज हैं इसमें सबसे अधिक बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसी सर्दी पड़ रही है काफी ठंडी हवाएं पड़ रही हैं, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर आप सतर्कता बरतेंगे, आप अपने शरीर को या अपने मुंह नाक कान और सिर को ढक के चलेंगे तो आपको सर्दी जो है यहाँ पे सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां आपको अपनी चपेट में नहीं लेंगी। लेकिन अब अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही इन दिनों में करते हैं तो आपको हल्का वायरल और सर्दी जुकाम हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, और वायरल अगर आपको आता है तो तकरीबन 10 से 15 दिनों तक ये बना रह सकता है, क्योंकि काफी तेज ठंड है। हार्ट के पेशेंट जो है उनको घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। डॉक्टर ने यही सलाह दी है कि सुबह और रात के वक्त आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर सुबह के वक्त आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो तकरीबन 9 से 10 बजे जब सूरज निकल जाता है तब जो है मॉर्निंग वॉक में निकलें, लेकिन सुबह 7-8 बजे निकलने से जो है हार्ट के पेशेंटों को मना किया है, क्योंकि इस ठंड का असर जो है सीधे हार्ट में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे हार्ट के जो पेशेंट है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में हार्ट के पेशेंट लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ठंड है और कुछ लोग ठंड का हालांकि आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि जब रिकॉर्ड टूटा है तो ऐसी ठंड हमें पहली बार देखने को मिल रही है और पिछले 3 दिनों से घना कोहरा भी छाया हुआ है।
हालांकि इससे जरूर जो है यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक जो है ट्रेन यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से जो है 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही है, 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म में ही जो है यात्रियों को अपने समय गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनको ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें रात के वक्त की, बस स्टैंड में जब यात्री बैठे रहते हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मौसम विभाग और क्या कुछ अलर्ट जारी करता है। हालांकि मध्यप्रदेश में येलो अलर्ट मौसम को लेकर जारी किया गया है, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 5 और 6 को मध्यप्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। अनंत भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अनंत, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालचाल है और किस जगहों पर न्यूनतम जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के तापमान की तो यहाँ पे लगातार जो ठंड का मौसम है वो बना हुआ है। कल यहाँ पे तेज सुबह से ही चालू हो गई थी, लेकिन जो कल से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो नमी वाली जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, कोहरे काफी बढ़ गए हैं, विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है, जिससे जो यातायात की व्यवस्था है उसमें थोड़ी दिक्कतें आई हैं। जितने जो बड़े वाहन हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, विजिबिलिटी लेवल कम होने की वजह से उन्हें जो सड़कें हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। लगातार बात की जाए तो अगर कोरबा, जशपुर, कोरिया, इन जैसे जो 7 जिले हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोहरे और ठंड को लेकर। और लगातार बात की जाए तो जो राजधानी रायपुर है उसमें जो न्यूनतम तापमान है वो 16 डिग्री दर्ज किया गया है, और जो जशपुर और जो पठारी जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी ठंड अधिक दर्ज की गई है। अगर बात करें बस्तर संभाग की तो सबसे अधिक जो ठंड है वो बस्तर संभाग में दर्ज की गई है। लगातार यहाँ पे जो विजिबिलिटी लेवल है वो कम होते नजर आ रहा है, उसको लेकर जो प्रशासन है वो भी तो अलर्ट मोड पर है। रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। और अगर बात की जाए बस्तर संभाग की तो वहाँ पर भी जो मौसम विभाग है अपनी मॉनिटरिंग लगातार कर रहा है, क्योंकि बारिश की जो संभावना है वो छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है, और उससे जो आने वाले टाइम है उसमें और ठंड बढ़ने की आशंका है। जी संतोष, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है, जैसे कुछ रिक्शा वाले, रैन बसेरे, इन लोगों के लिए सरकार ने किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं? देखिए, ऐसे यात्रियों के लिए या जो रोड पे यात्री रहते हैं, खासकर यात्री जो रहते हैं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास अपनी रात गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे में हीटर का इंतजाम किया गया है। वहीं ग्वालियर नगर निगम ने शहर के 50 ऐसे स्थान चुने जहां पर रात भर अलाव जलते हैं। वहीं बात की जाए कि जो ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन परिसर में भी जो यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था होती है वो व्यवस्था की गई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ट्रेनों के सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि ट्रेनों में जो वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम पूरी तरह से फुल है, क्योंकि 4 से 5 घंटे लगातार ट्रेनें आ रही हैं। दिल्ली से भोपाल की ओर जाने वाली जो ट्रेनें लगातार लेट बनी हुई है, जिसके चलते वेटिंग रूम में काफी भीड़ का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सर्दी है, सर्दी का असर पूरे सवाब पर है। अगर बात की जाए तो ग्वालियर अंचल की, ग्वालियर अंचल में भिंड और जो दतिया है, दतिया और भिंड में सीवियर कोल्डे का आज 4th दिन है। वहीं बात की जाए मुरैना, भिंड और दतिया, यहाँ 4 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में आज 6 डिग्री न्यूनतम जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और ये आने वाले समय में लगातार सर्दी बढ़ती रहेगी, कोहरा भी रहेगा और जो शीतलहर है तो वो भी जारी रहेगी। यानी कि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2-3 दिन तक राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन 8 तारीख के बाद तापमान बढ़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं सर्दी से हल्की राहत मिलेगी और धूप खिलेगी। वहीं बात आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि लगातार जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल, हार्ट के जो पेशेंट है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, सरकारी जो आंकड़े सरकारी अस्पताल से जो निकल कर आए हैं, लगभग 10 से 12 मरीजों की जो हार्ट पेशेंट थे, बुजुर्ग थे, उम्रदराज थे, उनकी मौत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सर्दी जानलेवा तो है ही है, यहाँ पे सिर्फ सावधानी ही रखना जरूरी है। डॉक्टरों ने एडवाइस दी है जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, धूप खिलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक पर निकले। वहीं शाम को जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो धूप जब डाउन हो रही है, जा रही है, उससे पहले ही वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर ले, उसके बाद वॉक पे नहीं निकले। वहीं बच्चों को सर्दी से बचाव के जो इंतजाम
किए जाने चाहिए, गर्म कपड़े और उनको जो दवाएं रहती है वो दी जाने चाहिए, खासकर जो अस्थमा के पेशेंट है उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाले 2-3 दिन तक स्थिति सर्दी यही बनी रहेगी, शीतलहर चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये अभी खतरनाक सर्दी बनी हुई है और इसके चलते जो जनजीवन है काफी प्रभावित हुआ है। जी